हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ मोल ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले का जो भी लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को अणु भार निकालना सिखाया था, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करने के लिए हमें अणु भार की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिन बच्चों को भी मोलर मास निकालना नहीं आता है वो इससे पहले का जो भी वीडियो है उसको ज़रूर देखें। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आइए देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ठीक है। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले हमारे पास है 32 ग्राम CH4 है, ठीक है। क्या है? 32 ग्राम CH4 है। इसके मोलों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास क्या होता है? M। यहाँ पर देखिए वेट कितना है, 32 ग्राम वेट है यहाँ पर गिवन है। और मोलर मास कितना होगा? जैसे कार्बन का मोलर मास 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 4 का कितना हो गया? 4 ओवर। और टोटल कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जैसे वेट हमारे पास 32 ग्राम था, मोलर मास कितना है? 16। अब इसे सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 2, ठीक है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात किए जा सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम देखें तो वो देख लें। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है, हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि 64 ग्राम SO2 है, ठीक है। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करना होगा? देखो इसमें वेट कितना हो गया, ये फॉर्मूला ही तो लगाना है हमें। वेट कितना है? 64 हो गया। अब इसका मोलर मास निकालोगे तो देखो, सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का कितना हो गया? 32 ही हो गया। तो मोलर मास कितना आ रहा है? 64, तो यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे? 1, ठीक है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है 90 ग्राम H2O है, ठीक है। 90 ग्राम क्या है? H2O। इसमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? N इज इक्वल्स टू W अपॉन M, ये हमें मालूम ही है। तो यहाँ पर W कितना है? 90 ग्राम है। और मोलर मास वाटर का कितना होता है? 80। तो डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 5, ठीक है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हो। तो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। आगे हम कोई नया टॉपिक लेंगे।